उसी की करके आपका बता सकें। फुलेकू नाम ऐसा है कि आज की तारीख में जहाँ जहाँ आप घर में देखेंगे कुछ न कुछ होता है, तो वहीं से ये नाम गिरा है। और ख़ास करके फैमिली, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, इसके लिए ये फुलेकू नाम एक निकला है। तो मीनिंग वाइज अगर आपको देखना है, फुलेकू का नाम है, अगर गुजराती में दो मीनिंग आते हैं, तो मैं अगर ओपन कर दूंगा तो सबको मालूम नहीं, लेकिन अभी मालूम है। तो ऐसा है कि एक है कि शादी में जब बारात निकलती है और गिफ्ट देते हैं तो उसको फूले को बोलते हैं, दूसरा बैंकरप्सी को फूले को बोलते हैं। तो आजकल के ज़माने में जो चीज़ चल रही है फैमिली में, उसके बारे में हमने सोचा था, तो उस हिसाब से ये नाम आया है हमारे जहन में। कहानी की बात करो, कहानी क्या है कुछ बताएंगे दो लाइन में। कहानी ये एक फैमिली ड्रामा है, और बेसिकली ये एक बच्चे और बाप के रिलेटेड की स्टोरी है। और आज के ज़माने में बहुत सारे बुजुर्ग को कुछ गलती कर जाते हैं, तो बस ये यानी कि यही चीज़ को, यानी कि एक जो पिता है उनको रिलेटेड पूरा स्टोरी है, एक अच्छा सा एक संदेश जा रहा है समाज समाज के लिए, यानी कि। और बेसिकली माँ बाप को अच्छी एक सीख मिल सकती है इस चीज़ से। बाकी कुछ और बताना चाहेंगे आप लोग, किस तरह से आप जुड़े हैं फिल्म से, वो भी जानना चाहेंगे। हम लोग फ्रेंड्स हैं और एवी के नाम निकला है हमारे तीनों के नाम से, आलोक, विजय एंड कुणाल। सो हम लोग घूमते हैं साथ में, फ्रेंड्स हैं, तो उस हिसाब से कॉफ़ी शॉप में बैठते रहते थे। और वहीं से एक इच्छा थी बहुत सालों से विजय को और मेरे को, तो पहले ड्रामा करना था, तो बट एक कोविड के बाद एक लगा कुछ करते हैं, सो दिस वॉज वेयर वी केम एज एवी के फिल्म्स। गुजराती फिल्म में, क्योंकि हिंदी सोचा कि हिंदी बना दे ताकि ऑडियंस और रीच हो जाएगी और फिल्म तक पहुंचे। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि देखो, जैसा अभी सब हिंदी बनाएंगे तो ओरिजिनल वाले क्या करेंगे। जैसा अभी आज देखा है ये ज़माने में कि रीजनल को अपग्रेड कर रहे हैं, हर एक अपना अपना स्टेट्स कर रहा है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र भी कर रहा है। महाराष्ट्र में दो अपन गिना जाएंगे, एक महाराष्ट्र एंड गुजराती, दिस आर मेजर विच इज़ प्लेइंग रोल। सो वैसे ही गुजराती मूवीज़ अपकमिंग हो रही है, आपने देखा होगा आज की तारीख में गुजराती मूवी को अवार्ड भी मिला है बड़ा इंटरनेशनल। सो उस बेसिस पे सोचा था, तो बोला कि पहले मदर टंग पे चालू करें, धीरे धीरे आगे बढ़े। सो आपके विशेष होंगे तो और बनाएंगे हम, बट कॉन्सेप्ट ये है कि रीजनल मूवीज़ पे पहले जाना है। हिंदी बनाने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो हमको भी थोड़ा सा रीजनल मूवीज़ में जाना है, जहाँ पे हमको बेसिकली वो क्या बोलते हैं, समाज को कुछ देना है बेसिकली। और उसके बाद भी बहुत सालों से आलोक जैसे थिएटर आर्टिस्ट आलोक भाई, वैसे मैं भी गुजराती नाटक जो स्टेज पे था बहुत देखता था, और हमें एक बहुत सालों से ख्वाहिश थी कुछ एक स्टेज प्ले करे, कि प्रोड्यूस करे या कुछ इस तरह करे। तो जैसे हमारे अमित दास है मूवी के हीरो, उनकी बदौलत हमको एक अच्छी स्टोरी और कहाँ मिली, तो आलोक ने उस प्रपोजल को स्वीकार, बोला चलो करते हैं, तो उस पर मूवी का ही प्लान बना, तो हम लोग ने मूवी बना ली गुजराती। कास्टिंग क्रू की बात करें, कौन कौन जैसे मैं देख रहा हूँ और कौन कौन इसके अलावा कास्टिंग क्रू, हमारे टैलेंटेड एक्टर्स बहुत सारे इसमें, जैसे अमित है, मंजरी है, अमित दास मंजरी है मिश्रा, एंड अनंत देसाई जी है, काफ़ी रिस्पेक्टेड और सब जानते हैं उनको, एंड काफ़ी नो उनका गुजराती में काफ़ी अच्छा, यू नो गुजराती है तो अच्छा एक्टिंग उन्होंने काफ़ी रोल्स किए हुए हैं उसमें, एंड काफ़ी और बहुत मज़ेदार किरदार लोगों ने निभाए वहाँ पे, और काफ़ी सारी बड़ी क्रू है आर्टिस्ट वाइज देखने जाएंगे और एक्टर्स वाइज देखने जाएंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इट, एंड इट्स अ फैमिली गुड गुड फैमिली मूवी जो अपने लोग परिवार के साथ देखने जा सकते हैं। शूटिंग की बात करें, शूटिंग कहाँ हुआ, गुजरात में हुई है? शूटिंग गुजरात में की है हमने, सूरत में हुई है, अराउंड 15-17 डेज की शूट हुई है, बहुत मेहनत की है लोगों ने, बिकॉज 15-17 दिन में शूट ख़त्म करना, सो ऑल द टीम इंक्लूडिंग कैमरा मैन एंड सपोर्टिंग स्टाफ, इंक्लूडिंग ऑल द पीपल हु वर, छोटे छोटे लोग भी जो एज अ स्पॉट्स बॉय है, स्पॉट दादाज हैं, सब सबको आई एम थैंकिंग यू, दे हैव वर्कड आउट फॉर अस। जैसे कि हमारी पहली मूवी है तो उन्होंने इतना हमको सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया है कि हम आपके सामने बैठे हैं आज।
तो आई एम थिंकिंग दैट म्यूजिक किस तरफ का है? म्यूजिक अच्छा है, इमोशनल है, जावेद अली जी ने गाया हुआ है, आप सुनेंगे तो एक अलग जॉनर पे जाएंगे. इट्स अ रियली गुड इमोशनल सॉन्ग विच यू विल लव द सॉन्ग. It's from the father's point of view, okay, कि उनके साथ क्या उनको feel हो रहा है and music बहुत अच्छा है, गाया भी बहुत अच्छे से है and एक song है but it's very nice, आपको बहुत अच्छा feel है वो गाने को लेके. Family film आप लोग बना रहे हैं क्योंकि आप समाज को कुछ देना भी चाह रहे हैं, क्या गुजरात के खूबसूरत जो जगह हैं उसे भी explore कर रहे हैं इस film? हालांकि अभी ज़्यादा लोकेशन हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं. इट्स लाइक अ फैमिली ड्रामा, तो एक घर की कहानी है, तो जो घर में है इन ज़्यादातर कुछ है आउटडोर लोकेशन हम लोग ने एक्सप्लोर किए हैं उसमें, बट इट्स वेरी ड्रामाटाइज करके उसको अच्छे से दिखाया है वहाँ पे. बट येस, इट्स मोर इन टू द हाउस, इट्स मोर इन टू विद द फैमिली. सर आपने जैसे बताया जावेद अली ने सॉन्ग है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपका किसने दिया? और बैकग्राउंड म्यूजिक कौशल महावीर जी ने दिया है, बहुत अच्छा दिया हुआ है. मैं आपको बोलूं, आप बैकग्राउंड म्यूजिक बोले, गाने का म्यूजिक बोले, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने कंपोज किया है जो दिल में छू गया है सच बोले तो. और जैसे आपको बोले, जैसे जावेद अली जी है वर्सटाइल, जो हिंदी गाते अभी गुजराती भी गा रहे हैं, वैसे हमारे अमित दास जी है जो मेन लीडिंग रोल है. अनंत देसाई जी तो गुजराती ही हैं, अमित दास जी आते कलकत्ता से, एंड कलकत्ता वाले अगर गुजराती फिल्म कर रहे हैं तो वी फील हैप्पी के भाई जो इंडिया में अपन बोलते हैं यूनिटी, दिस शोज अस के हर एक अलग अलग स्टेट के अलग 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 लैंग्वेज के खुद कर सकते हैं, तो इट इज़ रियली नाइस टू नो दैट. गाठिया मिल गया. नाइन्थ जून को रिलीज हो रही है 2023 में, और PVR इज अवर रिलीजिंग पार्टनर. म्यूजिक टी सीरीज म्यूजिक हमारे पार्टनर बने. बाकी फिल्म आजकल जहाँ पैन इंडिया की तरफ रुख कर रही, तो क्या आप भी सोचेंगे इससे या इसके आगे फिल्म से? इसके आगे पैन इंडिया, यस वी विल डू इट, बट एज ऑफ नाउ जैसे अभी रीजनल है तो हम रीजनल पकड़ के चलेंगे, बट डेफिनेटली आपके विशेज रहेंगे तो हम पैन इंडिया भी पहुंचेंगे. आपके एंड ऑडियंस के विशेज रहेंगे, सब लोग ने प्यार दिखाया, तो डेफिनेटली विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड बिग प्रोजेक्ट. कंटेंट कितना स्ट्रांग है, जैसे कि बहुत आज के डिमांड है पोस्ट कोविड, कंटेंट इज द की, राइट? ऑलवेज राइट. वही देख के बनाया है ये मूवी सर. कंटेंट आप देखेंगे रियली, एक ऐसा नहीं है कि हमारा मूवी है तो हम अच्छा ही बोले, बट जब हम फील करते हैं, बिकॉज एज आई एम ऑल्सो ड्रामा स्टूडेंट इन मिठीबाई, आई वॉज देयर फॉर ड्रामा फॉर 4 years, तो वो कंटेंट ऐसा नहीं कि हमारा है तो अच्छा है, लेकिन जब हमने बनाया ये मूवी तो बहुत अच्छा उसका बाहर आया, जो लग रहे थे उस एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा है. बिकॉज एक जब जाएगा लोगों में, आप देखेंगे जब मूवी, तो आपको एक दिखेगा कि यस हमने कुछ दिखाया है, कुछ समाज में बताया है कि क्या होना चाहिए, रियलिटी बताई है हमने, तो वो है. और एक 2 घंटे 3 मिनट की एक फुल फ्लेश मूवी है जिसके अंदर आपको ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे. जैसे बहुत सारी कम गुजराती मूवी मैंने ऐसे देखी जो जकड़ के आपको एकदम पकड़ के बिठा सकते हैं. यानी आई एम श्योर आप हमें तो बहुत पसंद, लेकिन पब्लिक को, आप लोगों सबको बहुत पसंद आएगी. पास हो चुकी सेंसर बोर्ड से सब फिल्म? पास करने दिया है सेंसर फिल्म को अभी ऑलरेडी, बिकॉज क्या हो जाता है, यू अंडरस्टैंड, आपको उसको मालूम है, तो वी हैव गिवन ऑलरेडी गिवन इन द सेंसर. ट्रेलर पास हो गया है सेंसर से, जो हम रिलीज जल्दी करेंगे. यस, आल्सो अपार्ट फ्रॉम द ड्रामा देयर इज लॉट ऑफ क्वर्कीनेस, थोड़ी मजाक भी है अंदर, थोड़ी जोक्स है, तो काफी इट्स एंटरटेनिंग एज वेल एज विद एन इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस के साथ है, तो देखना चाहिए. हम लोग खुद साइट पे थे, शूट पे पूरा हम लोग रुके थे. मैं करीबन 7 दिन था, कुणाल भाई भी 6-7 दिन रहे, बीच में मैं 7 दिन था, विजय भाई भी 5-6 दिन रहे, तो हम लोग ने जगल किया था. बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्ट मिला हमको, बहुत सपोर्ट मिला विद एक्टर्स एक्ट्रेसेस, रियली आई अप्रिशिएटेड. जैसे मंजरी मिश्रा भी हैं, जो आप बोलेंगे शी इज़ फ्रॉम कलकत्ता बट ऑफिशियली फ्रॉम यूपी, बट वो फादर्स फ्रॉम, एंड शी इज़ एक्टिंग एज अ गुजराती, तो एक अच्छा मैं हम लोग भी वो दिखाना चाहते कि देर आर वर्सटाइल एक्टर्स विद अस, सो दैट्स व्हाट इट इज़ दिस मूवी अबाउट. छेल्लो दिवस की बात लगता है, गुजराती फिल्मों में भी एक दौर आ चुका है वापस.
उसके बाद में मैंने जब छल्लो दिवस देखा, यस वी गॉट इंस्पायर्ड विद दैट. इट्स अ गुड मूवी, आई कैन टेल. आई विल नॉट डिनाई बिकॉज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, जब बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ. तो इट इज़ अ गुड मूवी, छल्लो दिवस वॉज अ गुड मूवी. बट वही चीज़ लेके हमने और एक अच्छा मूवी बनाया है. आप देखेंगे तो रियली आप बताएंगे, आप ही बोलेंगे कि क्या है मूवी. अब कंटेंट में बन रही ज़्यादा फिल्म पहले नहीं बनती थी, बीच में खाती क्या हो गया था. हमने ये लेवल का मूवी जो बनाया है ना, ये लेवल का मूवी मेरे हिसाब से वी विल बी द फर्स्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ मूवी विद डिजाइनिंग एडिटिंग एंड एवरीथिंग. दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवी विच वी फील विच वी हैव सीन. उससे तो बेटर है ऐसा हमारा, हमारी मेहनत है उस पर. सर पीवीआर भी सुनने में, पीवीआर भी पहली बार कोई गुजराती मूवी को रिलीज कर रहा है. यस डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इस टाइम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स लेके पीवीआर के पास जाता है. दिस टाइम पीवीआर हैज बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर. तो पीवीआर इज रिलीजिंग विद अस. सो ये हमारे लिए एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन था एंड इट वॉज रियली नाइस. थैंक यू वेरी मच. ओके मेरा नाम मंजरी मिश्रा है और मैं मिश्रा हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन कोलकाता में मैं पैदा हुई हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ और अब मुंबई में काम कर रही हूँ. हाय मेरा नाम अमित दास है. वैसे बॉम्बे में मैं करीबन 24 इयर्स से हूँ. 10th कंप्लीट करके बॉम्बे आ गया था एंड आई मीन बॉम्बे फ्रॉम लास्ट 24 इयर्स. थिएटर करता हूँ, बचपन में भी कलकत्ता में थिएटर करता था, बॉम्बे में भी थिएटर करता हूँ एंड यही है चल रहा है. ये मूवी फुलेकू एक्चुअली एक इंसिडेंट था कि हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे जो अमेजोन प्राइम में रिलीज होने वाला है नेक्स्ट वीक. तो वो शॉर्ट फिल्म का डिस्कशन के टाइम आई मेट आलोक भाई द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी एंड हमारा एक डिस्कशन चल रहा था बिकॉज आलोक भाई इज़ इनटू थिएटर. उन मिडीबाई थिएटर ग्रुप से बिलोंग करते थे तो उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ करना है अगर साथ में कुछ कर सके. तो हमने बोला कि चलो सब कुछ सोचते. सो देन वी गॉट अ वेरी गुड राइटर डायरेक्टर इरशाद भाई जो हमारे मूवी का डायरेक्टर है. उनकी एक कहानी थी फुलेकू जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है, जो एक फैमिली ड्रामा है, कंप्लीट फैमिली ड्रामा है एंड वेरी कट शॉर्ट फैमिली ड्रामा. जो रेगुलर फैमिली ड्रामा है उससे थोड़ा डिफरेंट था. तो देन वी हैड अ नरेशन, हमने नरेशन किया, फिर आलोक भाई, विजू भाई, कुणाल भाई ने नरेशन सुना एंड देन वी वेर ऑन बोर्ड. मंजी मैम यूपी कलकत्ता और गुजरात. तो बेसिकली मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ. जब हम थिएटर में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारे लैंग्वेजेस से गुजरते हैं, मतलब हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हमें जानने पड़ते हैं. तो वैसे गुजरात या गुजराती लैंग्वेज से मेरा कभी ऐसा सामना नहीं हुआ. बट यहाँ पे जब आलोक जी, विजू भाई, कुणाल जी जब हमें मिले एंड तब वो फर्स्ट मेरा गुजराती कम्युनिटी या गुजराती लैंग्वेज से सामना हुआ, तब मुझे समझ में आया अच्छा चलो ठीक है, यूपी कोलकाता बंगाली अब गुजराती एंड महाराष्ट्र मराठी उसके बाद गुजराती. एंड मुझे पता नहीं था कि गुजराती भी सीखनी पड़ेगी, फिल्म भी करना पड़ेगा. और फिर ये फिल्म बनाने का बनाना चाहा इन लोगों ने, फिर मुझे थोड़ा छोटा सा एक किरदार भी दिया, ऑफ कैमरा भी मैं इसमें काम कर रही हूँ एज क्रिएटिव प्रोड्यूसर, इन्होंने मुझे ये मौका दिया करने का. और फिर पता चला कि हाँ ठीक है हमें वर्कशॉप करना पड़ेगा, गुजराती सीखना है. सीखा हमने, डायलॉग्स रेडी किया, टोन उन्होंने लिटरली हमारे प्रोड्यूसर्स ने बैठ के हमें सिखाया कि ये टोन में बोलना है अगर तुम्हें गुजराती बोलनी है. सीखा और फिर बोल दिया, फिल्म शूट हो गई और हम रिलीज़ कर रहे हैं. किरदार की बात करो, किरदार आप लोग का. सर किरदार ऐसा है कि ये एक फैमिली ड्रामा है एंड पूरी कहानी जो है एक कैरेक्टर है बंकिम बारोट, उसके इर्द गिर्द घूमता है. अब वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उससे ज़्यादा मैं बोल दूंगा तो मूवी रिवील हो जाएगी सर. बट बहुत मज़ा आएगा. फैमिली ड्रामा के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्पेंस है, ड्रामा है, इमोशंस है, भर भर के इमोशंस है, कॉमेडी है एंड एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है जो हम बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं. मैं आनंद देसाई जी की बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ और उन इस फिल्म में जो फैमिली दिखाई गई है उस फैमिली की ही मैं बेटी हूँ. और इससे ज़्यादा मैं उस कैरेक्टर के बारे में इतना बता सकती हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, उसे जो करना है उसे पता है और जो नहीं करना उसे वो भी पता है.
तो मैं बस इतना ही अभी शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा जब हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कैरेक्टर है किस बारे में। नहीं, मेरी पहली फिल्म एज अ हीरो है। मैंने बहुत सारी मूवीज की है कैमियो, एंड थिएटर करता हूँ मैं। पहले उषा गांगुली जी के साथ था, फिर इप्टा मैनी पे दीदा बौटियाल जी के साथ, एंड चल रहा है अभी कोशिश। सर बहुत सारा काम किया है मैंने, छोटा छोटा मुंबई में हम बहुत कुछ करते रहते हैं। तो मैंने थिएटर किया है कोलकाता में 16 साल, फिर वहाँ से यहाँ पे आने के बाद नादिरा जहीद बब्बर एकजुट के साथ मैंने थिएटर किया, उनके 2 प्रोडक्शन किए मैंने एज लीड। एक प्रोडक्शन में आर्या बब्बर भी साथ में थे मेरे, एंड यस एज फिल्म एज लीड ये मेरा फर्स्ट फिल्म है। इसके अलावा मैंने मिका जी के साथ एक एल्बम भी किया है, तो यस। रोमांटिक गाने वगैरह नहीं है फिल्म में, है ना? एक गाना है आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। आप क्या बोलना चाहिए? लोग सोचते हैं कि मेरी पहली फिल्म तो उसमें गाने हो, कुछ हो, डांस हो। सर आज का जो जनरेशन है ना सर, आज का जनरेशन ऐसा मुझे लगता है, मैं कम्प्लीटली गलत भी हो सकता हूँ, आज का जनरेशन मतलब आज लोग आई थिंक कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा मूवी एकदम कंटेंट बेस्ड मूवी है, तो मूवी में जहाँ पे जो ज़रूरत है ना वहाँ पे वही है। आज की तारीख में एक रीजनल मूवी 1 आवर 57 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है। मतलब हमारा मूवी का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर 57 मिनट्स का है, मतलब 2 घंटा भी पूरा नहीं है। तो एकदम कट टू कट मूवी है, मतलब लोग बैठेंगे, एक बार बैठेंगे तो फिर निकलेंगे नहीं। जैसे एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले जो अजय देवगन जी अभी ने उसका पूरा राइट्स खरीद लिया है एंड हिंदी में बन रही है, आपको पता होगा शायद, वश करके एक मूवी जो अभी अजय देवगन जी खुद बना रहे हैं। तो वो मूवी मतलब किस तरीके से फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, मतलब लोग इंटरवल में भी सीट छोड़ के नहीं जा रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे भाई आगे क्या होने वाला है। तो वैसा ही कुछ है, बट देयर इज नो हॉरर इन द मूवी, नो वेज। एंड हमने बहुत मेहनत की है सर इस मूवी पे, एंड वी आर होपिंग कि लोगों को मज़ा आएगा जब लोग देखेंगे। मतलब गुजराती इंडस्ट्री में मोस्टली इस तरीके से मूवी बनती नहीं है जिस तरीके से हमने कोशिश किया एक ड्रामा बनाने का। चैलेंजेस क्या क्या है आप लोगों के लिए, मैम आपसे भी और सर आपसे भी, फिल्म के दौरान क्या लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा इशू था या फिर या बाकी कुछ? जब हमने स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू की थी तो लगा था कि हाँ कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम डायलॉग डिलीवरी करेंगे, या सामने जो हमारे को एक्टर्स हैं उनको हम कैसे समझ पाएंगे। और हम गुजरात सूरत में शूट कर रहे थे तो हमारे डायरेक्टर गुजराती, हमारे प्रोड्यूसर गुजराती, हमारे सारे एक्टर्स गुजराती, तो जो नॉन गुजराती थे कुछ 2-4 लोग वो उनको तकलीफ होने वाली है नॉन। बट देन जब हाँ हमारे साथ एक और एक्टर है मनीता मल्लिक, तो वो भी गुजराती नहीं है बट उन्होंने भी इतने अच्छे तरीके से गुजराती सीखा है, उसमें अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। तो जब हम शूट करने गए बिल्कुल उस वक्त तक वर्कशॉप करके और इतना स्क्रिप्ट याद कर करके हम रेडी हो गए थे कि शूट पे अब जो भी गुजराती बोल रहे थे, गुजराती के अलावा कोई लैंग्वेज आ रही थी तो हमें लग रहा था कि क्या बोल रहे हो, गुजराती में बोलो, वैसा हो रहा था। तो मुश्किलें स्टार्टिंग में आई बट शूट करते करते हम प्रॉपर गुजराती बन के निकले हैं वहाँ से। वो परफॉर्मेंस कभी कभी दिक्कत होती है, तो वो भी कहीं था क्योंकि आप लोग थिएटर से है सो यू कुड अंडरस्टैंड मच बेटर, 100% देना है तो ऐसा कुछ। देखिए पहले मैं गुजराती पे बोलूँ तो मैं विले पार्ले में आया था जब बॉम्बे आया पहली बार, और मेरे नेबर थे एक पटेल फैमिली, तो उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के पास खाना खाना और बैठे रहना, तो आपके साथ अगर कोई कलीग होगा ना जो गुजराती होगा और 10 दिन अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप गुजराती पूरा सीख जाओगे, इतना मतलब ईजी लैंग्वेज है समझने के लिए। बोलने के लिए ऐसा है कि गुजरात के हर एक रीजन का जो एक टोन है ना वो डिफरेंट है, वो टोन को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए। अदरवाइज गुजराती एज अ लैंग्वेज बहुत ईजी था एंड बहुत स्मूथली हमने वो सीख लिया था। टोन पकड़ने के लिए बहुत मेहनत किया हमने, बिकॉज हम थोड़ा सा अर्बन अहमदाबाद का टोन पकड़ना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ा मेहनत हुआ। एंड सेकेंडली सर एज एन आर्टिस्ट मैं बोलूँ तो स्क्रिप्ट आपके पास होता है, फिर आपके पास सारे डिटेल्स पहले से होते हैं, तो आपके पास टाइम होता है कि आप मेहनत करो और उसको सीखो समझो और आप परफॉर्म करते हो फिर उस पर। तो कोई भी लैंग्वेज हो उतना दिक्कत नहीं आता है,
आप देखोगे तो साउथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो नॉर्थ से, एंड दे आर डूइंग सो गुड, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स आई थिंक। इशाक सर के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला या कुछ बता सकते हैं? बहुत कुछ। इरशाद दलाल जी एक बहुत उमदा राइटर है, डायरेक्टर भी है, एंड उनकी जो ग्रिप है गुजराती इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है, एंड बहुत कुछ सीखने मिला था, बहुत कुछ सीखने मिला। उन्होंने मुझे करीबन 10 दिन का एक वर्कशॉप भी कराया था गुजराती टोन के बारे में, तो गुजराती सिखाया भी था उन्होंने हमें, तो मज़ा आया बहुत उनके साथ काम करके, एंड आगे भी हम कुछ कर रहे हैं। क्या कुछ फिल्में देखी आप लोगों ने गुजराती वर्कशॉप के दौरान? आपको देखी होगी आप लोगों ने, छेलो दिवस देखी मैंने, फिर वश देखी मैंने, एंड बहुत सारे गुजराती लोगों के साथ रहा मैं, गुजराती प्लेस बहुत देखा है, तो वो मैंने देखा होता है गुजराती। क्या कुछ अभी फिल्म आने वाली है बस एक महीने के अंदर, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ होने वाला है अगर बता सकें आप लोग के तरफ से? सर बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है, एंड होपफुली बहुत जल्दी हम बताएंगे, एंड ये मंथ एंड तक बहुत सारी चीज़ें हम रिलीज़ भी करेंगे, ये मूवी रिलेटेड और भी आगे के प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो जस्ट प्लीज वेट कीजिए, मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा। एवी की फिल्म्स के साथ आपने ये अभी फिल्म कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसे बॉन्डिंग एसोसिएशन कैसे रहा आपका? सर एवी की फिल्म्स के साथ बॉन्डिंग ऐसा है कि एकदम घर जैसा है, घर मतलब आई फील के दे आर माय बिग ब्रदर्स, एंड हमारे बीच वो प्रोड्यूसर एक्टर वाली कोई रिलेशन है नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ मस्ती करते, वो मुझे डांट देते कभी, मैं उनको कुछ बोल देता, बट एकदम मतलब वो बोलते हैं ना घर वाला रिलेशन है साथ। मैं फुलेको के लिए ये कहना चाहूँगी कि हम 9 जून को रिलीज़ कर रहे हैं ये फिल्म, एंड मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटी सी फिल्म बनाई है हमने, रीजनल फिल्म है, बट आजकल रीजनल फिल्म्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप सब प्लीज़ आइएगा थिएटर में ये फिल्म देखने के लिए। आप फिल्म देखेंगे एंड मैं आपको ये अश्योरिटी देती हूँ कि आप खुद जाके रिकमेंड करेंगे, आप दोबारा भी आ सकते हैं देखने के लिए, हमने बहुत मेहनत किया है और ये फिल्म बहुत ही अच्छी, एज एन एक्टर मैं ये कह सकती हूँ कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, आपको बहुत मजा आएगा देख के। नमस्कार, मैं कौशल महावीर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, म्यूजिक कंपोजर हूँ और बैकग्राउंड स्कोर्स भी करता हूँ, और ये जो पीछे आप मेरे इस बड़ा ही सुंदर पोस्टर देख रहे हैं, इसी फिल्म का म्यूज़िक और बैकग्राउंड मेरा किया हुआ है, और ये मेरी दूसरी फिल्म है, अभी हाल ही में ही एक फिल्म और गुजराती में ही रिलीज़ हुई है, होने वाली है 19th को, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये महीना मेरे लिए शायद बड़ा ही दिवाली जैसा है मैं कह सकता हूँ, कि अच्छी फिल्में आ रही हैं और मुझे मौका मिलते जा रहा है अच्छे प्रोड्यूसर्स की वजह से, अच्छे डायरेक्टर्स की वजह से और अच्छे कॉन्सेप्ट की वजह से। कितने गाने इस फिल्म में हैं बताएंगे इस फिल्म में गाना एक ही है, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे जो डायरेक्टर साहब ने दी मुझे, इरशाद दलाल जी ने और एवी के फिल्म्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, इसमें एक ही गाना है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिचुएशनल, बहुत ही कमाल का गाना है, और हम फॉर्चुनेट हैं कि जैसे ही गाना कंपोज हुआ और जब इम्प्लीमेंट हुआ तो हमने कोई और आवाज़ ना ही सोची ना ही समझी, और दिखाई दी जो आवाज़ थी वो जावेद अली जी की थी, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं और मेरी पूरी हमारी फिल्म की टीम कि उन्होंने गाना सुनते ही कहा कि यार मैं ज़रूर गाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुजराती गाने नहीं गाते, लेकिन he was very supportive and I'm very thankful to Javed Ali ji. कहानी कंटेंट इस फिल्म का जो था वो मुझे जब नरेट किया गया था इरशाद जी की तरफ से, वो एक गाना भी इस तरीके से आया गया है कि आपको लगेगा कि यार ये कंप्लीशन है इसमें, आपको उस गाने में भी आपको वो कहीं पर वो मिसिंग नहीं लगेगा, तो कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट थी हम उस अकॉर्डिंगली चलते गए, और फिल्म का बैकग्राउंड भी बढ़िया हुआ है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप गाना सुनेंगे, जल्द ही आप लोगों के बीच में होगा ये गाना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। जावेद अली जी के साथ बड़े किस्से हैं इस गाने को लेकर, क्योंकि जब हमने
फ़ोन कन्वर्सेशन करी थी उनके साथ कि ऐसा ऐसा गाना है, तो गाना सुनते ही जब उन्होंने कहा कि यार ये वाकई में मैंने बहुत अरसे तक गुजराती गाना गाया नहीं है और अब मैं ज़रूर गाना चाहूँगा क्योंकि इस गाने में मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उनका अपना खुद का एक इन्वॉल्वमेंट था। नहीं तो नॉर्मली सिंगर्स आते हैं, गाते हैं, अपना जॉब करते हैं, बड़ी ईमानदारी से चले जाते हैं, बट ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व और वो बहुत एक्साइटेड थे। दो दिन पहले भी हमारी बात हुई थी प्रमोशन को लेकर, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो कह रहे बिल्कुल मैं प्रमोट भी करूँगा। और इसके साथ ही जो PVR है और टी सीरीज का जो सपोर्ट है हमें इस फिल्म को लेकर, वो बड़ा ही अहम रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट दैट एवरीथिंग वेंट इट वेरी नाइसली। सर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का अक्सर ये सोचना होता है जब पारिवारिक फिल्म हो तो एक इमोशनल गाना डालते हैं ताकि दर्शक उससे कनेक्ट हो सके। कोई इमोशनल गाना है, क्या सिचुएशन को बता सके तो आप दर्शकों को? मैं दो लाइन सुनाता हूँ आपको, उस इसी गाने की दो लाइन ज़रूर सुनाऊँगा। इस कहानी में और इस फिल्म में जो है, ये कमाल की बात यह है कि कंटेंट अपने आप में हीरो है। इस फिल्म की जो कहानी है वही अपने आप में हीरो है। तो जो भी जो जुड़े हुए हैं वो सब एक दूसरे को फूल बनकर खिलते हुए आएंगे आपके सामने। और हर बार आदमी जब सोचेगा कि यार अच्छा ये होने वाला है इस कहानी में, तो एक नया ट्विस्ट आपको दिखाई देगा। इस फिल्म की खासियत ये है, जो बहुत ही कमाल का काम किया है आई थिंक, क्योंकि बैकग्राउंड करते हुए मैंने फिल्म देखी थी, तो कम्प्लीटली जो स्टार कास्ट है इस फिल्म की, जो उन्होंने जो काम किया है, स्पेशली अमित जी ने और मंजरी ने और आनंद देसाई जी जो हैं, वो तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई थिंक इन आर इंडस्ट्री। तो बड़ा मज़ा आया देखते हुए कि लोगों के लिए ये एक, इसमें सारे रस मिलेंगे आपको, इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें सैड है, इसमें एक सीख भी है जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देना चाहते थे लोगों के तक पहुँचे ये बात कि क्या अपने तक रखनी चाहिए चीज़ें और क्या दे देनी चाहिए। इस फिल्म में आपको वो सारी चीज़ें दिखेगी। और गाना करते टाइम बड़ा मज़ा आया मुझे, यस बड़ा, जब गाना आएगा फिल्म में तो आपको लगेगा कि ये गाना जो है अपने आप में एक हिस्सा है, इस कहानी का अपने आप में हिस्सा है, उसमें अपने आप में एक कहानी है गाने के अंदर। तो एक ही गाना है लेकिन कमाल का गाना है, आई एम श्योर लोगों तक पहुंचे और बड़ा मज़ा आए और लोग बड़ा पसंद करें इस गाने को। एक लाइन आप ज़रूर इसी एक लाइन सुना देता हूँ मैं। पानी ना रंग जेवा असंबंध छे केवा अपना थया पार का कोना कोना नाम लेवा कोना कोना नाम लेवा पानी ना रंग रेवा असंबंध छे केवा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।